दोस्तों आज हम बात करेंगे आप कैसे एक इंडियन आर्मी बन सकते हो। इंडियन आर्मी बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए आपको, सारे कुछ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर कर। चलिए तो पहले हम जान लेते हैं इनकी कैटेगरी के बारे में, यानी कि कौन कौन सा कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर सकती हो और ऑफिसर बन सकते हो। तो पहला जो कैटेगरी होती है वो है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। इनका जो एज चाहिए वो 17.5 साल से 21 साल तक होना चाहिए। उसके बाद आती है सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लार्क, सोल्जर स्टोरकीपर, सोल्जर ट्रेसमैन और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। इनका जो सारे को एज चाहिए वो 17.5 साल से 23 साल का एज आपका होना बहुत जरूरी है। इधर पर कोई एज का छूट नहीं मिलते। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो आप इधर पर कोई एज का छूट नहीं मिलता। तो पहले हम जान लेते हैं जीडी के बारे में यानी कि जनरल ड्यूटी के बारे में। जनरल ड्यूटी में अगर आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, जो 10th का बोर्ड का जो मार्क है वो 45% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33 से अबव होना चाहिए, अन्यथा आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहले ही मैं बता चुका हूँ इसका एज के बारे में, 17.5 साल से 21 साल तक होती है, इधर पर कोई एज का छूट नहीं मिलता। इधर पर हाइट के बारे में बात करूँ तो हाइट 160 सेमी आपका होना चाहिए मिनिमम हाइट, वो राज्य के अनुसार होती है। उसके बाद आती है छाती यानी कि आपका चेस्ट, चेस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए 77 सेमी आपको होना चाहिए, बेसिकली जो होना चाहिए 5 सेमी आपको फुलाना पड़ती है। और आपका वेट 48 से 50 केजी होना चाहिए, आपका जो वेट है वो 48 केजी से 50 केजी तक होना चाहिए। इन सारे हाइट वेट चेस्ट इन सारे कुछ देखने के बाद आपको 1 मील के लिए यानी कि 1600 मीटर के लिए आपको दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको दौड़ का हिसाब से आपको मार्क दिया जाती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हो तो आपको 60 मार्क्स दिया जाती है। अगर 5 मिनट 41 सेकंड से लेकर 5 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करते हो तो आपको 48 मार्क दिया जाता है। उसके बाद 5 मिनट 51 से लेकर अगर 6 मिनट तक आप इस दौड़ को कंप्लीट करते हो तो आपको 36 मार्क दिया जाता है। उसके बाद 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर अगर आप 6 मिनट 10 सेकंड तक आप इस मार्क्स को यानी कि इस दौड़ को कंप्लीट करते हो तो आपको 24 मार्क दिया जाती है। अगर 10 से भी नीचे है, 6-10 से भी नीचे है तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपको पुलअप करना है, पुलअप करने के लिए भी मार्क्स दिया जाती है। जैसे 10 पुलअप कर दिया तो आपको 40 मार्क दिया जाती है। अगर आप 9 पुलअप कर दिया अब तो आपको 32 मार्क दिया जाती है। अगर आप 8 पुलअप कर दिया तो आपको 28 मार्क दिया जाती है। अगर आप 7 पुलअप कर दिया तो आपको 21 मार्क दिया जाती है। अगर आप 6 पुलअप कर दिया तो आपको 16 मार्क्स दिया जाती है। अगर आप इससे कम मारती है तो आपको फेल किया दिया जाती है। उसके बाद आपको हाई जंप देना पड़ती है, लॉन्ग जंप देना पड़ती है, बैलेंसिंग करना पड़ती है। इन सारे कुछ कंप्लीट करने के बाद मेडिकल होता है, आपका मेडिकल होता है जिसमें आपका पैर, आंख, नाक, कान, त्वचा, बॉडी के सारे पार्ट्स आपको चेक किया जाती है। अगर आप नॉर्मल है तो आपको सिलेक्ट किया जाती है। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ आपको रीमेडिकल कराएंगे। उसके बाद आपको रिटेन एग्जाम देना होती है, उसके अंदर जो जनरल नॉलेज रहती है वो 30% रहती है और जनरल साइंस का क्वेश्चन जो होती है वो 40% रहती है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30% रहती है। इन सारे रिटेन एग्जाम के बाद आपका 3 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के द्वारा आपका चुनी जाती है। आप उस ट्रेनिंग में आप एक आर्मी ऑफिसर बन जाओगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप एक लाइक ठोक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारा चैनल में अपलोड करता हूँ। और आगे ही ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना है। थैंक यू।